नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। भिन्न के टॉपिक में मैंने आप लोगों को भिन्न के बारे में बता दिया था, साधारण भिन्न के बारे में बता दिया था, भिन्नों का वर्गीकरण बता दिया था, उसके बाद में शांत अशांत दशमलव भिन्न के बारे में बता दिया था, उसके बाद में आज जो आता है वो भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम, भिन्नों का असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो इसका मतलब आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही क्रम का मतलब जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पर्वतारोही, तो पर्वतारोही का मतलब पर्वत प्लस आरोही, तो यानी कि जो पर्वत पे चढ़ने वाला आदमी है वो पर्वतारोही कहलाता है। तो इसका मतलब जो चढ़ता हुआ क्रम है या जो बढ़ता हुआ क्रम है वही आरोही क्रम होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो क्रम हो गया ये आरोही क्रम हो गया, क्योंकि एक छोटा है, फिर उसके बाद में दो, उसके बाद में तीन, उसके बाद में चार, उसके बाद में पांच, उसके बाद में छह, उसके बाद में सात, उसके बाद में आठ और उसके बाद में नौ। तो ये क्रम तो हो गया आरोही क्रम। इसके बाद में अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ क्रम, और घटता हुआ क्रम का मतलब क्या हो गया कि जैसे नौ हो गया, आठ हो गया, सात हो गया, छह हो गया, पांच हो गया, चार हो गया, तीन हो गया, दो हो गया और एक हो गया। तो ये जो क्रम है ये अवरोही क्रम है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से ये आरोही, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस तरीके से ये आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम। अब ये चीज अपने को देखनी है भिन्न के टॉपिक में, यानी कि भिन्नों का आरोही क्रम और भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अगर आप भिन्न लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने 3/4 भिन्न ले ली, अगर आप लोगों ने 5/7 भिन्न ले ली, इसी तरीके से आप लोगों ने 9/13 भिन्न ले ली, इसी तरीके से आपने 4/6 भिन्न ले ली, या 4/6 की बजाय 5/6 भिन्न ले ली, तो इस तरीके से आपने ये जो है ये यहाँ पे कितनी भिन्न ले ली, 4 भिन्न ले ली। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या इनका आरोही क्रम क्या होगा, इनका अवरोही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि काफी टीचर इसके 2, 3, 4, 5 तरीके बताते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या बताते हैं कि इसको अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब 7 कितना हो गया, 21, और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 7 21 हो गया, 5 20 हो गया। तो दोस्तों ये 21 बड़ा और 20 छोटा, तो जिसका ऊपर वाला मान बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी, और जिसका छोटा होता है वो भिन्न क्या होगी, छोटी। तो ये 21 बड़ा और 20 छोटा, तो ये भिन्न 21 जो है यानी कि 3/4 बड़ी है और 5/7 क्या है, छोटी। उसके बाद में अगर आप 9/13 लेते तो इसका इसका और इसका कंपेयर करोगे तो 9/7 63 हो गया, और 13/5 कितना हो गया, 65 हो गया। तो यहाँ पे ये 63 और 65 में देखते हैं तो ये 65 तो बड़ा है और 63 क्या है, छोटा। तो इसका मतलब ये 5/7 भिन्न जो है ये 9/13 से बड़ी। उसके बाद में इसका और इसका कंपेयर करें तो 13/5 क्या हो गया, 65, और 9/6 कितना हो गया, 54। तो इसका मतलब ये जो है ये 54 और ये 65, तो इसका मतलब अगर आप लोग देख रहे हो तो इस भिन्न से ये भी बड़ी है और ये भिन्न भी बड़ी है, और इस भिन्न से ये भिन्न भी बड़ी है। तो सबसे छोटी भिन्न की बात आ जाए तो सबसे छोटी भिन्न की बात आ जाए तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, 9/13। अगर आ जाए सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, तो इसका मतलब इससे ये बड़ी थी लेकिन इससे कंपेयर नहीं किया, तो इसका कंपेयर करेंगे तो 6/18, 6/3 कितना हो गया, 18, और 5/5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 6/3 18 और 5/5 20 हो गया। तो इस तरीके से 18 छोटा और 20 क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न है ये क्या होगी, 5/6 होगी। तो इस तरीके से इनका आरोही और अवरोही क्रम निकालते हैं, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका कि ये जैसे 4 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 6, तो इसका मतलब ये 4 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 6, तो इन सबका लैसे निकालते, इन सबका एलसीएम निकालते, और एलसीएम निकाल करके इनको गुणा कर देते। जैसे 4, 7, 13 और 6 का लैसे निकालेंगे, फिर इसको भिन्न को गुणा कर देंगे, तो जो मान बढ़ाएगा वो भिन्न सबसे बड़ी, जो उससे छोटा आएगा वो उससे छोटी, और जो सबसे छोटा मान आएगा वो सबसे छोटी भिन्न। तीसरा तरीका और सबसे आसान तरीका, और जिस तरीके से अपने को क्वेश्चन करना है वो क्या है कि सीधा आप भाग देके देखो, क्यों आप इस चक्कर में पढ़ रहे हो कि इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में, लैसे के चक्कर में, तो सीधा क्या भाग देके देखोगे तो इस 3/4 में, इस 3/4 का भाग देंगे, पॉइंट लगा लिया, भाग नहीं गया।
अब भाग नहीं गया, पॉइंट लगा लिया, 30 हो गया। अब इस 30 में 4 का भाग दिया, 7 चौक कितना होगा 28, बच गया कितना 2 हो गया 20, तो इसका 5 चौक का कितना हो गया 20। तो इस तरीके से ये तो क्या हो गया, पॉइंट 75 हो गया। उसके बाद में ये 5 उठे 7 है, तो इस 5 उठे 7 है, तो इस 5 में 7 का भाग दिया नहीं गया, तो इसका हम वही पॉइंट लगा लिया। अब पॉइंट लगाने के बाद में ये 50 हो गया, 7 कितना हो गया दोस्तों 49 हो गया, 7 कितना हो गया 49 हो गया, तो इसका 7 49 हो गया, ये 7 ली थी। फिर उसके बाद में बचा कितना 1, 10 हो गया, 7 एकम कितना हो गया 7, तो इस तरीके से पॉइंट 71 आ गया। इसके बाद में ये जो 9 बटे 13 है इसमें भाग दिए तो 90 हो गया, और 90 हो गया तो 13 छिकी क्या होता है 78 होता है, बच गया कितना 12, तो 13 छिकी 78 हो गया, बच गया कितना 12, और उसके बाद में आप लोगों ने 12 बच गया 120 हो गए, तो 13 9 117, तो इसका 13 9 117 हो गया, तो ये 0.69 हो गया। इसके बाद में इस 5 बटे 6 में इसमें भाग दिया तो पॉइंट लगा लिया 50 हो गए, और 50 हो गया तो 8 छिक कितना हो गया 48 हो गया, बच गया कितना 2, तो 20 हो गया, और 20 हो गया तो मेरे कहने का 6 2 12 6 3 कितना हो गया 18, तो इस तरीके से क्या हो गया 0.83 हो गया। तो ये तो 0.75, ये 0.71, और ये 0.69, और ये पॉइंट क्या हो गया 83। तो अगर ये पूछ लीजिए सबसे बड़ी मीन क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ा मान जो है वो क्या 0.83 है, तो 0.83 सबसे बड़ा मान है, तो सबसे बड़ी मीन जो है वो तो क्या होगी 5 बटे 6। और अगर ये पूछ लीजिए सबसे छोटी मीन क्या है, तो सबसे छोटा मान क्या है 9 बटे 13, तो इसका 0.69 जो है, यानी कि 9 बटे 13 जो है ये सबसे छोटी मीन है। और अगर इनका आरोही क्रम पूछ लीजिए, अगर इनका आरोही क्रम पूछ लीजिए, तो इसका आरोही क्रम पूछ लीजिए, तो उस स्थिति में आरोही क्रम का मतलब मैंने क्या बताया था असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया, पहले छोटा फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उसके बाद में उससे बड़ा, तो इसका सबसे छोटा जो है वो क्या 0.69 है, तो इसका सबसे पहले तो 9 बटे 13 आएगा, उसके बाद उससे बड़ा है वो 0.71 है, तो इसके बाद में ये आएगा 5 बटे 7, फिर उसके बाद उससे बड़ा जो है वो 75 है, यानी कि क्या आएगा 3 बटे 4, और सबसे बड़ा जो है वो क्या हो गया 5 बटे 6। तो ये जो है ये इन बिन का जो है वो क्या हो गया आरोही क्रम। और अगर यहाँ पे अवरोही क्रम पूछ लिया जाता, अगर यहाँ पे इनका अवरोही क्रम पूछ लिया जाता, तो अवरोही क्रम पूछ लिया जाता तो सबसे पहले क्या हो गया 5 बटे 6 हो गए, फिर 3 बटे 4, फिर 5 बटे 7, और फिर 9 बटे 13। तो मेरे कहने का मतलब बढ़ता हुआ क्रम जो है वो तो आरोही क्रम, और घटता हुआ क्रम जो है वो अवरोही क्रम। तो मैंने यहाँ पे आरोही क्रम और अवरोही क्रम के लिए आपको 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका क्या कि इनको आपस में कंपेयर करो, वज्र गुणा करो, तो 7 3 21, 5 6 20, 21 बड़ा और 20 छोटा, तो ये भिन्न बड़ी और ये क्या और छोटी, फिर इसको 9 7 63 13 5 65, 65 बड़ा और 63 छोटा, तो ये भिन्न छोटी और ये भिन्न क्या होगी बड़ी। इसी तरीके से 13 5 65 और 9 6 54 हो गया, तो इसका ये भिन्न बड़ी और ये क्या होगी छोटी, फिर इसका इससे कंपेयर करो, फिर इसका इससे, तो ये तो कंपेयर करने वाला तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या होता है कि जो नीचे हर है उस हर का आप लोग क्या करो लेसर, और उसका लेसर लेकर के और उसके बाद में उसको प्रत्येक भिन्न से गुणा कर दोगे, और भिन्न से गुणा करने के बाद में जो मान बड़ा आता वो भिन्न बड़ी, और जो मान छोटा आता वो भिन्न क्या होगी छोटी, और इस तरीके से इनको देख सकते हैं। फिर तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आप सीधा भाग दो, पॉइंट के दोनों तक काम चलता तो पॉइंट के दोनों तक दे लो, अगर दोनों में कोई भिन्न बराबर आ रही है तो पॉइंट के 3 अंक तक भाग दे लो, 4 अंक तक भाग दे लो, और उसके बाद में जो बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जो छोटा है वो भिन्न क्या होगी छोटी। और आरोही और अवरोही क्रम के बारे में मैंने बता ही दिया कि जो बढ़ता हुआ क्रम है वो आरोही क्रम, और जो घटता हुआ क्रम है वो अवरोही क्रम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।